अगली खबर साहिबगंज से है। नमामि गंगे परियोजना के तहत रग रग में गंगा एक निर्मल अविरल यात्रा के तहत साहिबगंज पहुंची दूरदर्शन व नमामि गंगे की टीम ने मंडरो प्रखंड के फॉसिल पार्क में डॉक्यूमेंट्री फिल्म की शूटिंग की। यह डॉक्यूमेंट्री फिल्म विभिन्न जिलों से होकर गुजरने वाली गंगा पर आधारित होगी तथा इसमें गंगा के तट पर बसे गाँव, गंगा की खूबसूरती, संस्कृति इत्यादि को दिखाया जाएगा। साहिबगंज जिले पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने की दृष्टि से भी यह फिल्म महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वहीं देर शाम जिला गंगा समिति द्वारा मुक्तेश्वर धाम घाट पर भव्य गंगा आरती हुई, जिसमें डॉक्यूमेंट्री फिल्म की टीम ने शिरकत करते हुए पूजा कर गंगा आरती की शूटिंग की। गंगा आरती के समय उपायुक्त राम निवास यादव, DFO मनीष तिवारी, DDC प्रभात कुमार बर्दियार, भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री बजरंगी प्रसाद यादव, नगर परिषद उपाध्यक्ष रामानंद शाह, भाजपा नेता गणेश तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद थे। बहुत बहुत ज़्यादा खूबसूरत, मुझे अनुमान ही नहीं था कि इतना खूबसूरत होगा वो पूरा क्षेत्र जो है। और क्योंकि कभी झारखंड आना नहीं हुआ और दिमाग में एक अलग किस्म की छवि थी कि बहुत ही बैकवर्ड होगा, ऐसा दिमाग में रखता था आपको कि पिछड़ा हुआ होगा, लेकिन इतना सुंदर है, लोग इतने अच्छे हैं कि आई थिंक जितना भी ट्रैवल करता हुआ आ रहा हूँ, मेरे लिए बहुत ही फर्श की बात है कि हमारे देश में झारखंड है और इसके बारे में लोगों को पता नहीं। मैं तो लोगों से ये गुजारिश करूँगा कि यहाँ पर आएँ और देखें यहाँ की खूबसूरती को, यहाँ की जो प्राकृतिक खूबसूरती है जो उसे आगे नहीं आए। सर इसके पहले भी आप आए थे भागलपुर पटना? भागलपुर आया था मैं जी सर, भागलपुर में मैं आया था। तो भागलपुर में भी आपको बहुत ही प्राचीन शहर है, तो वहाँ पर देखने के लिए और समझने के लिए इतनी सारी चीज़ें हैं कि वो ख़त्म नहीं होती हैं। वो एक दो ट्रिप में भी ऐसा लगता है कि अभी पूरी तरह से देखा नहीं है उसको, तो बहुत सुंदर है। इसका क्या कुछ कार्यक्रम रहा सर? ये कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा इस एरिया, इस क्षेत्र को और नमामि गंगे के दौरान जो कार्य कराए गए हैं उसको दिखाने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ये वीडियो शूट कराई जा रही है, प्रोग्राम बनाया जा रहा है। उसी के तहत राजीव खंडेलवाल जी जो हैं जाने माने सुपरस्टार, ये यहाँ पर आए हैं एंड ये प्रोग्राम बन रहा है। इसके बनते ही वीडियो रहेगी और ये DD जो चैनल है उस पर 25 मिनट का प्रोग्राम हर हर गंगे के तहत उसमें दिखाया जाएगा।